पूत कपूत होत है माता होत ना कुमाता, लेकिन इस वाक्य को शर्मसार करती एक माँ ने अपने नवजात बच्ची को सारण जिला के भिल्दी थाना क्षेत्र स्थित एक कोचिंग संस्था के बगल में फेंक दिया था। वहीं जब सुबह बच्चे कोचिंग क्लास करने आए तो वह बच्ची के रोने की आवाज सुने और देखते ही देखते लोगों का वहां जमावड़ा लग गया। सभी लोग परेशान थे कि यह बच्ची यहां कहां से आई। काफी मशक्कत करने के बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। वहीं कई माँ उस बच्ची को अपना बनाने के लिए कहने लगी, लेकिन ऐसा हो न सका। जब इस घटना की जानकारी भिल्दी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार को हुई तो उन्होंने चाइल्ड होम के सदस्यों से फोन कर संपर्क कर उन्हें बुलाया, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और वह बच्ची को खुद लेकर सदर अस्पताल छपरा पहुंचे और बच्ची का मेडिकल कराने के बाद चाइल्ड होम के सदस्य को सुपुर्द किया। इसके बाद उसे SNCU में भर्ती कराया। अब वह बच्ची चाइल्ड होम के सदस्यों की निगरानी में है। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं आज एक माँ शर्मसार हुई। ऐसी घटनाएं समाज में उन माँ के लिए भी काफी शर्मसार करने वाली। इस तरह की घटना समाज में जहाँ आज भी लड़की होने पर उसको सजा दी जाती है, वहीं इस बच्ची के साथ आज देखा गया। इस घटना को लेकर लोग एवं चाइल्ड होम की सदस्य ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। थाना अंतर्गत एक बच्ची मिली थी जो थाना अध्यक्ष के माध्यम से आपको सुपुर्द कर दिया गया है जी। किस हॉस्पिटल में दिया गया और कहाँ से आए थे, वो बच्ची को कहाँ से लाया गया था? जी आपका परिचय किस संस्था से जुड़ी हुई है? क्या नाम पड़ेगा मैडम? आज सुबह किस तरह की घटना हुई आपके घर पे? हम तो घर पर थे, मैडम फिर फोन की बच्चा फेंका हुआ है जी। तो आए थे। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रशासन के इसके सूचना दी गई है अभी तक। किस ट्यूशन में पढ़ते हो? ट्यूशन मैम के क्या देखे आने पे इसको ट्यूशन आने पर एक लड़की बताई कि वहाँ पे बेबी रखा हुआ है। अच्छा, तो हम जाके देखे तो प्लास्टिक में था, तो उसको हम निकाले बाहर। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा तुम्हारा? सन्नी पड़ेगा। कहाँ घर है? सुनो